कता नहीं एंड रीच्ड इन द सेकंड सेशन ऑफ चैप्टर नंबर टेन रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स आई होप ऑल आर वेरी क्लियर अबाउट द सेशन वन इफ़ नॉट गो एंड वॉच इट वंस अगेन एंड इफ यू स्टिल हैव कैन कॉन्टैक्ट मी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ डू वी ब्रीथ रेस्परेशन के लिए ब्रीदिंग करना जरूरी है पर हम कैसे ब्रीद करते हैं उसके बारे में आज हम लर्न करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग में होती है ना उसमें वेरियस ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं जो यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं द फर्स्ट वन इज़ नॉस्ट्रिल देन नेजल कैविटी फेरिंग्स लेरिंग्स ट्रैक किया दैट इज़ विन पाइप लंग्स एंड अ डायफ्राम सो दिस आर द सेवन ऑर्गन्स विच आर इंक्लूडेड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग बाजू में डायग्राम भी दिया है वहाँ पर लेबलिंग भी किया गया है कि नॉस्ट्रिल क्या है नज़ल केविटी क्या है और बाकी सारे ऑर्गन्स भी क्या है टन बाई टन वी विल लर्न अबाउट दैम यहाँ पे देखिए नोस्ट्रिल्स क्या है हमारे नाक में आगे जो होल्स होते हैं उसको हम नोस्ट्रेल्स बोलते हैं फिर फेरिंग्स आता है जो पाथवे प्रोवाइड करता है नॉस्ट्रेल्स से लेके लंग्स तक जो भी एयर हम ब्रीथ करते हैं उसको लेके जाने के लिए फिर आता है लैरिंग्स लैरिंग्स जो है वो वॉइस वो बॉक्स होता है फिर आता है ट्रैकिया ट्रैकिया इज़ जस्ट अ विंड पाइप ओके फिर आते हैं लंग्स यहाँ पे देखो दोनों साइड लंग्स दिखाए हैं पर एक साइड उसका ऐसे क्रॉस सेक्शन करके अंदर से भी दिखाया है और रिप्स भी होती हैं जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं वो उसके ऊपर एक कवरिंग प्रोवाइड करके रिप्स भी सिर्फ एक ही साइड दिखाई है वो एक्चुअल में होती दोनों तरफ है और फिर लास्ट में नीचे दिखाया गया है वो है डायफ्राम आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस अभी सबका काम क्या होता है उसके बारे में लर्न करेंगे नॉस्ट्रिल्स नॉस्ट्रिल्स क्या है वो आगे के जो दो होल्स होते हैं फिर आता है नेसल पैसेज द नॉस्ट्रिल टू ट्रेकिया दैट इज विंड पाइप जो पैसेज होता है वो क्या करेगा पास होगा नॉस्ट्रिल से लेके ट्रेकिया के विंड पाइप तक ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप वहाँ तक का जो पैसेज प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं नेसल पैसेज फिर आता है लेरिंग्स लेरिंग्स क्या है ट्रेकिया के ऊपर का हिस्सा है जो वॉइस बॉक्स कहलाता है ओके फिर लंग्स प्रेजेंट होते हैं चेस्ट कैविटी में चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स एंड लार्ज मस्क्यूलर शीट कॉल डायाफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट केविटी यहाँ पे देखिए नीचे डायाफ्राम दिख रहा है वो एक मस्क्यूलर शीट ही है जो नीचे है फ्लोर पे है ब्रीदिंग इन वॉल्स द मूमेंट ऑफ द डाइफ्राम एंड द रिप केच अभी जब हम ब्रीद करते हैं तब हमारे डायाफ्राम का और रिपकेच का दोनों का मूवमेंट होता है कैसे होता है उसके बारे में हम आगे लर्न करेंगे तो एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है जो ब्रीदिंग प्रोसेस जो रेस्पिरेशन में काम आता है उसमें क्या होगा आप इन्हेलेशन करोगे इन्हेलेशन मतलब कि सांस अंदर लेना उसमें क्या होता है ऑक्सीजन रिच एयर ऐसी एयर हम ब्रीथ करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है फिर वो जाएगा लंग्स तक लंग्स से ऑक्सीजन होगा ब्लड में मिक्स ब्लड जाएगा बॉडी में बाकी सब सेल्स के पास अभी उस सेल्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी ब्रीदिंग किया ब्रीदिंग से ऑक्सीजन बॉडी में हर एक सेल के पास पहुंचा अभी उस सेल में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी जिसके प्रोडक्ट्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी एनर्जी तो हम कोई भी काम करते हैं उसमें यूज़ हो जाती है अभी बचा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अभी ये दोनों क्या होंगे ब्लड में वापस एंटर हो जाएंगे फिर वहाँ से वापस वो लंग्स में जाएंगे और लंग्स से हमारे नाक से वापस एक्जेल हो जाएंगे मतलब बाहर निकल जाएंगे तो जो भी एयर हम ब्रीद आउट करते हैं दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर वेपर देखना थोड़ी सी ऐसे एकदम मॉइस्ट होती है जो एयर ब्रीद आउट होती है वो और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है इसीलिए हम उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर क्लियर और जो ब्रीच में जो फेरिंग्स था ना वहाँ पर जो पाथवे प्रोवाइड करता था उसका काम होता है एयर को वार्म करना और उसको मॉइस्ट करना वो लंग्स तक पहुँचे ना उससे पहले क्लियर आप ऐसे फ्लो चार्ट के हिसाब से पूरा प्रोसेस याद रख सकते हैं अभी देखिए यहाँ पे हमने बात की थी कि जब भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें ब्रीदिंग इंक्लूडेड होता है अब जब हम ब्रीद करते हैं तो उसमें डायफ्राम की और रिप्स की मूवमेंट होती है तो पहले ये ए इन्हीलेशन वाला डायग्राम देखना लेफ्ट साइड पे जो है वो जब भी आप एयर अंदर लेते हो मतलब सांस अंदर लेते हो आप अभी भी ट्राई कर सकते हो आप सांस अंदर लीजिए तो क्या होगा आपके जो भी रिप्स हैं ना वो ऐसे बाहर मूव आउट करेंगे और नीचे देखो डायफ्राम जो दिख रहा है ना आपको जो ब्लैक कलर की लाइन दिखाई है नीचे एकदम फ्लोर पे वो मूव्स डाउन और दूसरा जो जब हम एक्सेल करेंगे जो कि राइट साइड के डायग्राम में दिया गया है वो देखिए जैसे ही एक्सेल करना आप जाओगे ना तब भी हवा क्या होगी एयर इज़ फोस्ड आउट आपके रिब्स जो हैं वो वापस नॉर्मल पोजिशन पर चले जाएंगे और डायफ्राम जो है वो मूव्स बैक क्लियर ब्लैक कलर की लाइन है वो डाइफ्राम के जैसे दिखाई वो एक मस्क्यूलर होता है इसीलिए वो ऊपर नीचे हो सकता है क्लियर देखिए यही प्रोसेस पूरा ऐसे इधर एक और डायग्राम दिखाई ये पिंक कलर के जो दिखाई दे रहे हैं वो लंग्स हैं व्हाइट कलर के जो डॉट्स हैं ना वो एयर है और ग्रीन कलर का जो नीचे दिखाया वो डायफ्राम है जैसे ही आप सांस अंदर ले रहे हो मतलब वो व्हाइट डॉट्स अंदर जा रहे हैं तो डायफ्राम ऐसे हो जाएगा क्या हो जाएगा मूव्स डाउन वो नीचे जा रहा है पूरा डायफ्राम अभी जैसे ही सांस आप छोड़ रहे हो मतलब आप एक्सेल कर रहे हो आप सांस बाहर ले रहे हो बाहर दे रहे हो तो क्या होगा ये एयर जो है वाइट डॉट्स देखो बाहर जा रहे हैं और डायफ्राम देखो दैट इज मूविंग बैक टू इट्स पोजिशन क्लियर तो दिस वॉज द मेकेनिजम ऑफ मेकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स अभी जब भी हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है रिप्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स डायफ्राम मूव्स डाउन एंड दिस मोमेंट इंक्रीजेज द स्पेस इन आवर चेस्ट कैिटी एंड मेक्स इट लार्जर इसकी वजह से क्या होगा स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा आपकी चेस्ट में और इसी वजह से वो ऐसे बाहर फूल जाती है इसीलिए मूव होते हैं ना अप होते हैं और आउटवर्ड आते हैं एज द चेस्ट कैिटी बिकम्स लार्जर एयर इज सक इन फ्राम आउटसाइड इन टू द लंग्स एंड लंग्स गेट फिल्ड विद द एयर जैसे ही वो बड़ी होगी तो उसमें और जगह हो जाएंगी और जगह होगी मतलब क्या होगी सांस अंदर जाने की जगह रहेगी ना जो भी एयर आप ब्रीद कर रिफॉन्दर जा सकेगी नेक्स्ट कम्स एक्जलीशन एग्जेलेशन क्या है इन एक्शन रिप्स मूव्स डाउन एंड इनवर्ड्स डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजिशन वापस उसकी पोजिशन पर आ जाता है डायफ्राम और रिब्स जो हैं वो नीचे मूव करते हैं और इनवर्ड मूव करते हैं इसकी वजह से क्या होगा चेस्ट की जो साइज़ है ना वो छोटी हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी इसकी वजह से वो छोटा बन जाएगा तो क्या होगा प्रेशर क्रिएट होगा एयर पे इसीलिए बाकी की जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी एज द चेस्ट के विच बिकम स्मॉलर एयर इज पुस्ट पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स क्लियर दिस मच ये एक आप एक्टिविटी के साथ भी कर सकते हो देखो जैसे यहाँ पर कर रहे हैं वो इन्हेलेशन जब आपने किया आवर लंग्स एक्सपांड एंड देन कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट एज द एयर मूवस आउट ड्यूरिंग एक्जेलेशन तो एक बार आप इन्हेल करिए और ऐसे इंच टिप्स है आप चेस्ट का मेजरमेंट कीजिए ठीक है फिर आप एक्जेल कीजिए और उसके बाद आप मेजरमेंट कीजिए दोनों में डिफ्रेंस आएगा यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम एक और एक्टिविटी हम लर्न करते हैं ये पूरा मेकेनिज्म लर्न करने के लिए कैसे होता है उसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जैसे कि प्लास्टिक बॉटल चाहिए होगी आपको फिर एक वाई शेप का पाइप चाहिए होगा ठीक है और जो प्लास्टिक बॉटल आपने ली ना उसका नीचे का हिस्सा आप काट दीजिए और वहाँ पर एक रबर शीट इंक्लूड कर दीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉटल है उसमें है ना ऐसे वाई शेप का एक पाइप है फिर नीचे दो बलून्स लगाए गए हैं और ऊपर जो प्लास्टिक बॉटल का ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे हमने ऐसे पूरा एयर टाइट बना दिया है उधर हमने कॉर के तो ऐसे कुछ भी सील लगा दिया है फिट कर दिया है ताकि बॉटल एयर टाइट हो जाए क्लियर तो क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हमने देख ली अभी हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं ना उसका पूरा मेकेनिज्म हम यहाँ पर लर्न करेंगे उसके लिए हमने ये मॉडल तैयार किया नाउ टेक अ वाइट प्लास्टिक बॉटल हमने एक वाइट प्लास्टिक बॉटल ली रिमूव द बॉटम निकाल दिया बॉटम गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब एक वाई शेप का ग्लास या तो वाई शेप की प्लास्टिक की ट्यूब हमने ली मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट अभी ऊपर लिड में हम होल करेंगे और नीचे से जहाँ हमने काट दिया वहाँ से हम वाई शेप की ट्यूब ऊपर जाने देंगे और थोड़ी सी बाहर निकाल देंगे उसके लिड के होल में से अभी वाई शेप का हिस्सा जो है वहाँ पे देखो दो बलून्स अटैच किए हैं आप देखो डायग्राम में बलून्स कहाँ लिखे गए हैं मार्क किया है ना बलून वहाँ पे आप दोनों तरफ है वाई शेप में बलून्स अटैच करोगे और यहाँ पे डायग्राम में वाई शेप वाली जो ट्यूब है ना वो उल्टी दिखाई दे रही है उल्टा वाई है नाउ टू द फोक डैंड ऑफ विथ्स ट्यूब फिक्स द टू डीफ्लेटेड फ्लेटेड बलून्स आपको डीफ्लेटेड फ्लेटेड बलून्स वहाँ पे अटैच करना है मतलब ऐसे बलून जिसके अंदर अभी गैस नहीं है ना इंट्रोड्यूस द ट्यूब इन टू द बॉटल नाव द कैप नाव कैप द बॉटल सील इट टू मेक इट एयर टाइट हम उसको एयर टाइट बना लेंगे नाव टू ओपन द बेज ऑफ द बॉटल थिन रबर और अ प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड तो लार्ज रब्बर बैंड से आप नीचे एक रबर या तो प्लास्टिक शीट कवर करके उसको टाई कर दीजिए ठीक है अभी ये जो डायग्राम है न टेन पॉइंट सेवन फिगर है ना उसमें लेफ्ट साइड वाले में देखिए नीचे जो रबर शीट है ना उसको ऐसे नीचे खींचिए और राइट में देखिए ऐसे हाथ से ऊपर धक्का दे रहे हैं तो आप जैसे ही नीचे खींचेंगे ना शीट को तो क्या होगा वहाँ पे जगह बढ़ जाएगी जगह बढ़ जाएगी मतलब क्या होगा वहाँ पे बाहर के कंपैरिजन में अंदर जो है ना वो प्रेशर डिफरेंस होगा क्या प्रेशर डिफरेंस होगा बाहर जो एयर होगी ना वो हाई प्रेशर पे होगी और अंदर जो एयर होगी ना वो लो प्रेशर पे होगी क्योंकि आपने नीचे खींचा तो जगह तो बढ़ गई पर हवा तो अंदर उतनी ही थी तो लो प्रेशर हो गया वहाँ पर अभी जो भी एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ट्रैवल करती है तो बाहर से हवा कहाँ जाएगी अंदर अभी अंदर आ रही है मतलब क्या होगा बलून फूल जाएगा क्लियर अस रीड दिस सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर टू अंडरस्टैंड द एक्सपांशन ऑफ द लंग्स पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स नीचे खींचिए दिस इंक्रीजेज द स्पेस इन साइड द बॉटल एंड दस रिड्यूस द एयर प्रेशर इन साइड द बॉटल इसकी वजह से क्या होगा जो स्पेस है वो बढ़ जाएगी और एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा मतलब रिड्यूस हो जाएगा तो उसके कंपैरिजन में उसके आजू बाजू में जो बाहर एयर है दैट इज एट द हायर टेम्परेचर विल विल रश थ्रू द ट्यूब एंड बलून्स विल गेट इन्फ्लेटेड तो अभी ट्यूब के थ्रू पास होकर वो बलून्स में जाएंगी और बलून्स क्या हो जाएंगे फूल जाएंगे अभी दूसरा क्या करना है हमें पुश द रबर शीट अप एंड ऑब्जर्व द बलून अभी आप रबर शीट पहले नीचे खींच रहे थे ना अभी उसको आप अंदर अंदर की तरफ थका दीजिए तो क्या होगा जो स्पेस है वो डिक्रीज हो जाएगी अभी वो डिक्रीज़ हो गई मतलब क्या हो गया एयर प्रेशर इंक्रीज हो गया एयर प्रेशर इंक्रीज हो गया पर बाहर कंपेरिजन में लो प्रेशर है तो अभी एयर जो है वो अंदर से बाहर जाएगी तो बलून क्या हो जाएगा डीफ्लेट हो जाएगा क्लियर ना वट डू वी ब्रीद आउट कैसे होता है मेकेनिज्म वो तो हमने सीख लिया पर अभी हम बाहर क्या ब्रीद आउट करते हैं उसके बारे में सीखें थोड़ा द एयर जो होता है वो मिक्सचर होता है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का जो कि है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर और एक्सेट्रा थिंग्स वी इनहेल द सेम मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन इन द एटमोसफियर हम ये पूरा जो गैसेस का मिक्सचर है ना वही इनहेल करते हैं अगर मैं बोलती हूँ मैं ऑक्सीजन इनहेल कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ ऑक्सीजन सांस सांस जब ले रही हूँ तब ऑक्सीजन सिर्फ मेरे नाक के अंदर जा रहा है मेरा नाक इतना कैपेबल नहीं है किसी का भी नहीं है कि यहाँ पे जो भी एयर है उसमें से ऑक्सीजन को सिर्फ ढूंढ लें और सिर्फ ऑक्सीजन नाक के अंदर डालें ऐसा नहीं हो सकता जो भी पूरा मिक्सचर होता है गैसेस का वो सब हमारे नाक के अंदर जाते हैं हमारा नाक जो है वो फिल्टर नहीं कर सकता ऑक्सीजन को बाकी सारे गैसेस के साथ तो जब हम इन्हेल करते हैं तो हम मिक्सचर ऑफ गैसेस इन्हेल करते हैं जो भी एटमॉस्फेयर में होते हैं और उसमें वाटर वेपर भी होता है और जब हम एक्सहेल करते हैं ना तो वो कंपोजिशन सेम होता है जो हमने इन्हेल किया था वही कंपोजिशन बाहर जाता है वापस एग्जेलेशन के टाइम पे सिर्फ चेंज क्या होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज चेंज होती है कैसे चलो देखते हैं डीप में देखिए यहाँ पे टेबल में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर इन तीन चीज़ों के बारे में पहले हम देखेंगे जब भी हम एयर इन्ेल करते हैं तब ऑक्सीजन का परसेंटेज सपोज जो भी एटमॉस्फेयर में ट्वेंटी वन परसेंट वो ट्वेंटी वन परसेंट हम इनहेल कर रहे हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना है जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट वाटर वेपर जो है वो कंपैरेटिवली लेस होता है इसीलिए मैं जब सांस लेती हूँ तब मैं ऐसे बोलती हूँ या तो कोई भी सांस लेते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि वी ब्रीथ ऑक्सीजन रिच एयर ऐसी हवा जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है सिर्फ ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं ऐसा नहीं होता और जब हम एक्सेल करते हैं तो जो भी ऑक्सीजन हमने पहले लिया था अंदर वो तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यूज़ हो गया ना वो यूज़ हो गया पर अभी जब रेस्पिरेशन हुआ तो बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुआ तो अभी वो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाएगा वही हमें बाहर निकालना है एक्जेल करना है तो कंपैरेटिवली जो ऑक्सीजन का परसेंटेज अंदर गया था उससे कम हो गया दैट इज़ सिक्सटीन पॉइंट फोर परसेंटेज और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो था वो कंपैरेटिवली बढ़ गया दैट इज़ फ़ोर पॉइंट फोर परसेंट और वाटर वेपर भी इंक्रीज हो गया इट इज़ मोर इन अमाउंट नाउ तो इसीलिए जो हम गैस एक्सहेल करेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है इसीलिए हम बोलते हैं वी ब्रीद आउट Air rich in carbon dioxide. Okay. The difference between the inhaled and the exhaled air is that the inhaled air contains more oxygen while the exhaled air contains more carbon dioxide. Beside oxygen and carbon dioxide, the air also contains more water vapor. Air we inhale contains very little water vapor. During respiration, water is also produced along with carbon dioxide. सो एक्जेल्ड एयर कंटेन्स मोर वाटर वेपर देन द इन्हेल्ड एयर क्लियर दिस मच नेक्स्ट अभी जो हम ब्रीद आउट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो कैसे प्रूव कर सकते हैं तो उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं उसके लिए आपको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेना है इस तरह से और उसमें एक फ्रेशली प्रिपेड लाइम वाटर डाल देना है ठीक है फिर उसमें एक स्ट्रो रखिए और अभी स्ट्रो के थ्रू आप है ना उसमें ब्लो करी, ब्लो कीजिए तो बहुत जेंटली ब्लो करना बहुत जोर से फूंक नहीं मारनी है आराम से थोड़ा फूंक मारना तो क्या होगा वो जो पूरा लाइम वाटर है ना अंदर वो चेंज हो जाएगा उसका अपियरेंस पूरा चेंज हो जाएगा अभी वो क्यों चेंज होता है जब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है तो ही वो होता है तो ये प्रूफ हो गया क्लियर सो यू विल सी सी वॉट यू विल ऑब्जर्व लाइम वाटर टर्न्स मिल्की उसका पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या उसका चेंज होता था ना क्या चेंज हो रहा था जो भी लाइम वाटर था उसका अपियरेंस चेंज होता था अपियरेंस चेंज होगा तो वो क्या बन जाएगा मिल्की बन जाएगा पूरा वाइट वाइट ये हमने ऑलरेडी फिफ्थ चैप्टर में कर लिया था एसिड बेस वाले में सो वी एक्ल कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर टर्निंग लाइम वाटर मिल्की इज स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट आप ये एक और चीज देख सकते हो कि जब भी आप एक्सेल करते हो ना मिरर के पास बहुत सारे लोग जो चश्मे पहनते होंगे अगर उनको भी वो साफ करना है तो जस्ट एक्सेल द एयर थ्रू योर माउथ तो आप देखोगे कि वो जो पूरा मिरर या तो वो जो पूरा ग्लास है वो पूरा मॉइस्चर से भर जाता है वहां पे एक थिन फिल्म हो जाता है मॉइस्चर का उसके सरफेस पे ये क्या प्रूव करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर वेपर भी होता है जो रेस्पिरेशन के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और एक्जेलेशन के टाइम पे वो हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं दैन वी एग्जेल ऑन अ मिरर अ फिल्म और अ पैच ऑफ मॉइस्चर ऑन द मिरर सरफेस इज फॉर्म्ड वाटर वेपर प्रेजेंट इन एक्जेल्ड एयर कंड ऑन द मिरर सरफेस अभी दूसरा टॉपिक जो है वो है वाई डू वी स्नीज स्नीज मतलब छींकना हम क्यों छींकते हैं तो जैसे कि हमारे आसपास जो भी एयर है उसमें बहुत सारे अनवान्टेड पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि स्मोक डस्ट पॉलन्स एक्सेट्रा अभी जब भी हम सांस लेंगे तो ये सारे पार्टिकल्स जो है ना दे विल गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आवर नेज़ल केविटी हमारे नेजल केविटी में हमारा नाक के अंदर पूरे छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं वो इन सब अनवॉन्टेड पार्टिकल्स को ट्रैप कर देंगे पर बहुत बार ऐसा होता है कि ये पार्टिकल्स हैं ना वो हेयर से बच के अंदर चले जाते हैं और हमें इरीटेट करते रहेंगे द लाइनिंग ऑफ द कैविटी में ठीक है और इसकी वजह से हम स्नीज करते हैं आप बहुत बार देखो देखना अभी ऑब्जर्व करना जब भी आपको छीक आएगी ना उससे पहले ना आपको थोड़ा इरीटेट इरीटेशन होता है आपके नाक के अंदर अभी जैसे ही आप स्नीज करोगे ना तो वो सारे अनवॉन्टेड पार्टिकल्स जो फॉरन पार्टिकल्स हैं वो आप जो आपने एयर इन्हेल किया था और उसके साथ आपकी बॉडी के अंदर आए थे वो बाहर चले जाएंगे है ना एंड अ डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी इसलिए पूरी क्लीन एयर हमारी बॉडी के अंदर जाएगी यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स लिखा है मतलब वो कहीं घूम के आ रहा है ऐसे नहीं फॉरेन किसको बोलते हैं जो हमारे बॉडी का नहीं है या तो नॉट रिक्वायर्ड हमारा नहीं है कहीं और से आया है दैट इज फॉरेन बाहर का है इसीलिए उसको फॉरेन बोला जाता है Now, when यू स्नीज यू should कवर योर nose सो दैट द foreign पार्टिकल्स यू expel आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन इसीलिए हमें नाक कवर कर देना चाहिए खांसने और छींकने टाइम पे अभी तो स्पेशली ये कोरोना वायरस में तो सब लोग मास्क इसीलिए पहन रहे हैं ना कि आप जब भी छीको या तो बोलो या तो खांसो तो आपकी बॉडी में से वो वायरस किसी और में ट्रांसफ़र ना हो जाए क्लियर नेक्स्ट द बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ योगा प्राणायाम बोलते हैं ना करने के लिए ये किसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है ब्रीद फॉर द बेटर लाइफ ऐसा बोला जाता है ना नाउ रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर जैसे ही आप प्राणायाम करोगे आप देखना आप जोर से डीप ब्रीद करते हो सांस लेते हो तो आप बहुत सारा ऑक्सीजन जो है एयर एयर के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर लेते हो दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी सेल्स रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी जैसे ही आप सांस लोगे तो बॉडी सेल्स उतना ही ज़्यादा रेस्पिरेशन करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपको मिलेगी बहुत बो बहुत, बहुत लोग बोलते हैं ना एनर्जेटिक फील हो रहा है फ्रेश फील हो रहा है योगा करके सुबह सुबह क्यों होता है दैट इज जस्ट बिकॉज यू ब्रीद मोर ऑक्सीजन सो मोर रेस्पिरेशन प्रोसेस विल टेक प्लेस एंड सो मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड this was all about breathing in human beings now we are going to study about breathing in another animals different organism possesses different organs for the exchange of oxygen and carbon dioxide for respiration सबके पास अलग-अलग ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए human beings में किससे होता है लंग्स के थ्रू होता है हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया human beings में रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी organ इंपॉर्टेंट organ कौन सा है तो लंग्स अभी बाकी सारे एनिमल्स हैं जैसे कि एलिफेंट लायन, काऊ गोट फ्रॉक्स लिजर्ड स्नैक बर्ड्स इन सब के पास भी लंग्स होते हैं उनकी चेस्ट कैविटीज में जैसे ह्यूमंस के पास हैं बट स्मॉलर एनिमल्स जो हैं जैसे कि कॉकरोच अर्थवर्म फिश एंड मॉस्क्यूटोज इन सब के पास लंग्स नहीं होते दे डू नॉट हैव लंग्स अभी ऑर्गेनिज्म लाइक फिश फिश जो है उसमें गिल्स के थ्रू होता है ये हमने ऑलरेडी लर्न किया है स्टैंडर्ड्स में जो है, लर्न करेंगे। सबसे पहले कॉकरोच के बारे में लर्न करते हैं कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स दिस कॉल्ड स्पिरल्स छोटे छोटे ऐसे होल जैसे होते हैं ओपनिंग होते हैं बहुत छोटे उसको बोलते हैं स्पेराकल्स जो कॉकरोच में और बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं अभी इंसेकट्स है नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल ट्रेकिया फॉर गैसेस एक्सचेंज आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हो ट्रेकिया ये क्या है नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स हैं जो हेल्प करती हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए अभी ऑक्सीजन रिच एयर जो होगा ना वो स्पेरेकल्स के थ्रू ट्रैकियल ट्यूब्स में जाएगा बॉडी में डिफ्यूज़ होगा कहाँ पे डिफ्यूज़ होगा टिश्यूज़ में टिश्यूज़ क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल्स होता है तो सेल्स ही हैं ये एंड रिचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी अभी क्या होगा सेल में सेम प्रोसेस होगा प्रोसेस सब में सेम ही हो रहा है ये याद रखना यहाँ पे क्या होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा बाय प्रोडक्ट में क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा अभी कार्बन डाइऑक्साइड वापस सेल्स के थ्रू ट्रेकियल ट्यूब में जाके स्प्रेकल से बाहर चले जाएंगे ओके दिस एयर ट्यूब्स और ट्रेकिया फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स ये याद रखना सिर्फ इंसेक्ट्स में पाया जाता है सेम प्रोसेस हो रहा है देखो फ्लो चार्ट के हिसाब से आप याद रखना ह्यूमन बींग्स में भी ऐसे ही हो रहा था ठीक है ऑक्सीजन रिच एयर पास होगा स्पेराकल से अंदर जाके ट्रेकियल ट्यूब्स में जाएगा वहां से बॉडी सेल्स में जाएगा अभी बॉडी सेल्स क्या करेंगे रेस्पिरेशन करेंगे ऑक्सीजन का यूज करके रेस्पिरेशन करेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे एनर्जी के साथ साथ क्या प्रोड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ वो बॉडी सेल्स से वापस ट्रैकियल ट्यूब्स में जाएगा वहां से स्पिरेकल्स के थ्रू होके हमारी बॉडी के बाहर चला जाएगा दैट इज एक्सपेल्ड आउट ऑर्थ के बारे में देखते हैं तो ऑर्थ जो है वो ब्रीथ करता है उसकी स्किन के थ्रू उसकी स्किन जो होती है ना एकदम मॉइस्ट होती है और स्लिमी होती है टच करने से आप देखना आप उसको अगर हाथ लगाओ तो बहुत चिपचिपा होता है इसीलिए बहुत सारे लोग उसको छूना पसंद नहीं करते हैं गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू दैम उसकी जो मॉइस्ट स्किन होती है ना उससे गैसेस ना इजिली पास होते हैं फ्लो चार्ट नीचे दिया है देखो सेम प्रोसेस हो रही है वापस क्या करेगी उसकी स्किन एब्जॉर्ब करेगी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू स्किन देन ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स थ्रू ब्लड अभी क्या होगा रेस्पिरेशन होगा रेस्पिरेशन इन सेल्स एंड रिलीज ऑफ एनर्जी एनर्जी के साथ साथ क्या प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ वो रेस्पिरेशन से इज कैरीड बैक टू द ब्लड कैरिड बैक बाय द ब्लड एंड देन एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्किन नेक्स्ट फ्रॉग्स फ्रॉग्स के पास ना पेयर ऑफ लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के जैसे तो वो ना आराम से ब्रीथ कर सकते हैं पर कहाँ पे अगर वो जमीन पे हैं तो फ्रॉग एम्फीबियंस होते हैं वो पानी में भी रहते हैं तो जब वो ज़मीन पे होते हैं तब वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं अभी जब वो पानी में जाएंगे ना तो उनकी स्किन से ब्रीथ करते हैं विच इज़ ऑल्सो मॉइस्ट एंड स्लिपरी और प्रोसेस वही सेम होगा क्या होगा वो ब्रीथ करेंगे ऑक्सीजन आएगा ऑक्सीजन फिर क्या होगा ब्लड में मिक्स होकर सेल्स तक पहुंचेगा सेल्स क्या करेंगे रेस्पिरेशन करेंगे रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो उनको काम करने के लिए हेल्प होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगा वो वापस सेल्स में जाएगा सेल्स से कहाँ चला जाएगा ब्लड में मिक्स हो जाएगा और ब्लड से वापस वो लंग्स या तो स्किन के थ्रू एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा क्लियर अभी यह टर्न आता है फिश का गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्ड इन वाटर फिश जो है वो पानी में रहती है अंडर वाटर एनिमल है ठीक है अभी ये कौन सा ऑक्सीजन यूज करती है इनको भी ब्रीदिंग के लिए तो ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ती पर, है पर पानी के अंदर जो ऑक्सीजन मिक्स होता है ना वही फिश यूज़ करती है किसकी हेल्प से उनकी बॉडी में गिल्स होते हैं वो हेल्प करेंगे अभी गिल्स जो हैं ना वो ब्लड वेसल्स से सप्लाइड होते हैं जो हेल्प करेगी गैसेस के एक्सचेंज के लिए तो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर इज कैरीड बाय ब्लड सेल टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी वे रेस्पिरेशन अकर्स देखो वापस सेम प्रोसेस हो रहा है क्या होगा ऑक्सीजन जो पानी में से ऑक्सीजन गिल्स ने लिया अभी गिल्स में ब्लड वेसल्स हैं तो ब्लड वेसल्स क्या करेंगी वो ऑक्सीजन रिच एयर को ब्लड में मिक्स करके बाकी सारे सेल्स के पास लेके जाएंगी। अभी सेल्स में रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा अभी वो वापस ब्लड से होके गिल्स तक जाएंगी और गिल्स से वापस ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा क्लियर अभी डॉल्फिन्स और वेल्स ये कुछ अलग तरीके से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करती हैं देर आर सम सी एनिमल लाइक डॉल्फिनस इन वेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स इनके पास गिल्स नहीं होते हैं दे ब्रीद इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लू होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देर हैड ये ब्रीद कैसे करती हैं ब्लू होल्स या तो नॉस्ट्रिल्स से जो कहाँ पर होते हैं उनके सर पर हैड पे, पे एक अपर पार्ट में आप यहाँ पे देखो दो डायग्राम दिए गए हैं ऊपर और नीचे तो नीचे वाला है ना उनका हेड का पार्ट है जो जूम करके दिखाया गया है वहाँ पे देखो एक होल है उस होल से वो ब्रीद इन और ब्रीद आउट करती हैं और पानी भी वहीं से छोड़ती हैं आपने बहुत बार देखा होगा डॉल्फिन ऐसे पानी का पूरा ऐसे फाउंटेन जैसा निकालती हैं हेड में से दे कैन स्टे इन साइड द वॉटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग वो पानी में बहुत समय तक रह सकती हैं बिना ब्रीद किए दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीद इन एयर वो थोड़े थोड़े टाइम पे सरफेस पे बाहर आएंगी अपना हेड बाहर निकालेंगी ताकि वो एयर को ब्रीथ कर सके और फिर सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगी क्लियर अभी पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ये एनिमल्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया तो अभी तक हमने रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में देख लिया अभी हम करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में तो हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का है ना उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है सनलाइट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है क्लियर अभी क्या होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है उसमें ऑक्सीजन यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली दिन के टाइम पे होती रहती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने यूज़ किया उसी में से ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वही ऑक्सीजन वो यूज़ करेंगी रेस्पिरेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे वही कार्बन डाइऑक्साइड वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे ठीक है सी लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देर सर्वाइवल दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाईऑक्साइड इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये पूरा जो प्रोसेस है वो हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है है ना फोटो सिंथेसिस चैप्टर जब हम हम पढ़ रहे थे उसमें फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में हमने पूरा ये सेक्शन में क्लियर किया ही था तो वो ब्रेक डाउन होगा और उसमें ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा जो कि एनर्जी है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन की हेल्प से अभी क्या होगा जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में थे वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है नीचे का फ्लो चार्ट देखना ऊपर का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा ग्लूकोज जो है फोटोसिंथेसिस जो हमारा फूड था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ जो फूड है जैसे हमारे में भी ह्यूमन बींग्स में ही में भी हो रहा था डाइजेशन हो रहा था तभी जो फूड था उसमें ऑक्सीजन की जरूरत थी और रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा था वैसे यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो फूड है अभी ऑक्सीजन की हेल्प के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होगा ये फोटोसिंथेसिस का ही रिएक्शन है और रेस्पिरेशन का भी यही इक्वेशन रिएक्शन है ओके नाउ इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो हर एक पार्ट इंडिपेंडेंटली मतलब खुद से किसी पे डिपेंड करना नहीं पड़ता वो खुद से ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देता है लीव्स में क्या होता है लीव्स में टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं मतलब छोटे छोटे उसमें होल्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं और उस टोमाटा से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा जो वुडी स्टेम्स होती हैं प्लांट्स की उसमें लेंटी सेल्स होते हैं किसके लिए रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए अभी रूट्स जो हैं दे टेक अप द एयर फ्रॉम द एयर स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन द सॉयल पार्टिकल्स आप देखो यहाँ पे जो तीसरा डायग्राम ये डायग्राम है तीन पिक्चर्स हैं उसमें नीचे तीसरा वाला जो नीचे है उसमें देखो रूट्स नीचे दिख रहे हैं उसमें जो जो स्पेस है उसके बीच में से वो लोग ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं उसके रूट्स क्लियर फिर प्रोसेस सेम ही, ही रहेगा वापस ब्रेक डाउन होने के लिए अभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और रेस्पिरेटरी प्रोसेस जैसे मैंने पहले भी बोला ड्यूरिंग द डे दिस बोथ द प्रोसेस आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली ओके पर रात के समय अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि रात को सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस के बिना कभी हो सकती नहीं है ठीक है अभी नाइट टाइम में यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं है फिर भी रेस्पिरेशन तो होगा ही सो वाई यू शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट अ नाइट रात को क्यों हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बाहर देते हैं अब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर देंगे तो हमें क्या होगा सफोकेशन होगा क्योंकि हमें ऑक्सीजन ब्रीथ करने के लिए नहीं मिलेगा और हमें डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग के लिए तो अगर आप वहाँ पे सो रहे हो तो आपको सफोकेशन होगा और आप वहाँ पे अच्छे से सो नहीं पाओगे आपको ब्रीद करने में बहुत डिफिकल्टी होगी सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल तो ये था रेस्पिरेशन इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और रेस्पिरेशन किस लिए ज़रूरी है एनर्जी के लिए ठीक है और एनर्जी हमें हर एक काम करने के लिए चाहिए इसीलिए रेस्पिरेशन इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए क्लियर एंड हियर वी एंड अवर चैप्टर दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर टिल दैट स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी लर्न वेल ईट वेल थैंक यू सो मच